स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। मैं खाजाली मदन सोशल वर्कर, इस वक्त मैं शाली बंडे पे हूँ भाइयों के साथ। भाइया मैसेज दे रहे, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आज का जो टॉपिक है, हैदराबाद में जो माफिया चंदा चल रहा फलस्तीन के आसे, भाई आज खुलासा करेंगे मुजवानी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू, ईद मुबारक आप सबको, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मेरे भाइयों को। भाइयों जो नामा बोल के फलस्तीन के आस्ते चंदा ले रहे, पहुँच रहा नहीं वहाँ, क्यों हाई बदुआ ले रहे आप लोग फलस्तीन के आस्ते? पहले चंदा देना है तो आपको अपने ख़ानदान में दो, उसके बाद रिश्तेदारों में दो, उसके बाद पड़ोसियों में दो आप, उसके बाद आगे का सोचो आप। बगैर इंक्वायरी करे हर किसी को चंदा दे दार रहे आप लोग, गलत है, आप लोग भी गलत है मेरी नज़रों में। इंक्वायरी करके चंदा दीजिए आप लोग। सुने फलस्तीन को तो नहीं पहुंच रहा, हमारे पहलवान बोलिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू, सबको ईद मुबारक और दूसरा शवाल मुबारक हो। नमाज की पाबंदी करिए भाई, इंशाल्लाह एक दूसरे के हक़ में दुआ करिए, यतीम यसीर का ख्याल करिए, इंशाल्लाह पूरा पूरा वेरीफाई करिए भाई, एक दूसरे का मदद फरमाइए। आप खुद ही अपने हाथ से पहुँचाइए, जो ज़रूरतमंद है उन तक आप भी पहुँचिए इंशाल्लाह। अल्लाह मदद फरमाए, अल्लाह रहमत से बरकत से नवाजे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू, हमारे तमाम लोगों को रमज़ान मुबारक हो। और हमारे भाइयां साथियां जो भी बोल रहे हैं उस बात पर अमल करिए और हकदारों तक हक़ पहुँचाइए, बड़े मेहरबानी होगी। क्योंकि लोग माफिया है ना, दूसरों के नाम पर है, फलस्तीन के नाम पर पैसे खा ले रहे हैं, इसलिए गरीब तक है ना पैसे नहीं पहुंच रहे हैं। ज़रूरतमंद तक आप लोग खुद तहकीक कर आप वहाँ घर तक पहुंचकर पैसे पहुंचाइए, मेहरबानी होगी। सलाम अलैकुम। अदबन आपसे गुजारिश करता हूँ, सोशल मीडिया पे कोई भी औरत या कोई भी आदमी अगर रोके वीडियो बनाए, आप उसकी तहकीकात करिए, ये वीडियो बनाने वाले क्या कर रहे हैं। अगर 5 लाख की ज़रूरत है, कोई हॉस्पिटल में मर रहा तो 2.5 लाख रुपए उससे बात कर ले रहे, 2.5 लाख रुपए चंदा चोर ले रहे। क्यों पूछो, ये मॉडल फकीरा इतने हो चुके हैं कि 2 लाख रुपए का फ़ोन है मॉडल फकीरों का, ने एक फार्चियल गाड़ी है, एक महंगा घर है, और कपड़े दावत तो पूछे ना को, हाथ के नीचे जार छेलों को रख ले रहे। तो अदबन गुजारिश करता हूँ मैं, आपके मेहनत का पैसा भाई आप अपने हाथों से दीजिए। नहीं समझ नहीं आ रहा, कहीं गरीब बच्ची की शादी है, बच्ची के याद दे दीजिए आप, कोई गरीब आदमी मर रहा तो उसको ले जा के दीजिए आप। अपने हाथों से कहीं भी अपने देखे बगैर मत दीजिए मेरे भाई। क्यों बोलो, ऐसे फाउंडेशन खोल के लोग करोड़ों लाखों रुपए कमा ले रहे मेरे भाई, आपके मेहनत का पैसा इधर चले आ रहा। तो मैं अदबन गुजारिश करता हूँ मेरे भाई, इमोशनल वीडियो पे मत आइए। आपके मेहनत का पैसा हो, चाहे मस्जिद हो या मदरसा हो, अगर मदरसे को अगर पैसे की जरूरत रही तो हम पैसे नहीं देंगे, हम चीज़ ला के देंगे। अगर मस्जिद बनाना है, मस्जिद को कुछ कमी पड़ी, हम पैसे ला के देंगे। मासूम बच्चों को ठहरा के लोग इमोशनल वीडियो बना के लोगों से लूट रहे मेरे भाई। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, अगर ऐसा होगा तो हैदराबाद में 99 बच्चियाँ गरीब बैठे हुए, क्या हर बाप निकल के वीडियो बनाएंगे क्या, मेरी गरीब बच्ची को मेरे कहने पैसे नहीं है मेरे को मदद करो बोल के? ऐसा नहीं होता मेरे भाई। आपसे अदबन गुजारिश करता हूँ, आपके मेहनत का पैसा आप सही इस्तेमाल करिए मेरे भाई। आज फलस्तीन के हालात इतने खराब हो गए मेरे भाई, बच्चे वहाँ घासा खा रहे, हमारे को तकलीफ हो रही, हम यहाँ पर हैदराबाद में कपड़े पहन के ईद के एंजॉय मना रहे भाई, वो शर्म की बात है मेरे भाई। हमारे को तो ईद बनाना ही नहीं चाहिए था, जितना हो सके रोडों पे निकल के दुआ करना चाहिए था। आज हमारे लोग देखो स्टेडियम पे जाके उससे मिल रहे, फोटो डाल रहे, फूला पहन रहे, डाल रहे बिरयानी सुरखों में के डालना मेरे भाई, वहाँ पर खाने को खाना नहीं है। हम ऐसा स्टेडियम पे मत डालिए मेरे भाई। अदबन गुजारिश करता हूँ, आप अमल करिए, आप दुआ कर रहे हैं हम हाथों से उठाते मेरे भाई, फलस्तीन के ऐसे कभी भी नमाज पढ़ के हाथ से दुआ करिए मेरे भाई। अदबन गुजारिश करता हूँ मेरे भाई, मुमिन भाई है हमारा, चाहे हिंदू रहें दो, मुसलमान रहें दो, चाहे सरदार जी रहें दो, सब हमारे भाई हैं मेरे भाई। मुसलमानों का हिंदू भाइयों का कोई मजाक मत उड़ाइए मेरे भाई, हम सब एक ही खून के हैं मेरे भाई। ये लोग ऐसे वीडियो बना के इमोशनल, इन लोगों को सबको भाकट करेंगे हम लोग। क्यों पूछो, क्या हर औरत निकल के महल्ले में क्या हम वीडियो बनेंगे, हमारे पैसे जरूरत है? अलहमदिल्ला हैदराबाद में बहुत पैसा है लोगों ने, नहीं है नको समझो, बहुत पैसा है। तो हम जो जरूरतमंद है हम उनको देंगे। आप देखिए गरीब बच्ची की कहाँ पर गरीब बच्ची की शादी है, किसी से अनमारी होता, किसी से पलंग होता, किसी कपड़े होता, किसी को भगोने की होती, किसी को चूल्हे की जरूरत होती, किसी को सिलेंडर की जरूरत होती, कपड़ों की कई किस्म के होते मेरे भाई। अदबन आपसे गुजारिश करता हूँ मेरे भाई, इसको अमल करिए मेरे भाई। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हमारे भाइयों से, जितना हो सके शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करना ना भूलिए मेरे भाई। सबको ईद मुबारक।